विवाह हो जाने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, पार्वती मैया मायके चली जाती हैं। मायके में सहेलियों ने पूछा, बोले पार्वती ये बताओ अरे कौर साची बताओ तुम बिल्कुल ना शर्माओ काय बम भोला से करवा लो प्यार कौर साची बताओ मन में ना शर्माओ काय बम भोला से करवा लो प्यार कौर साची बताओ मन में ना शर्माओ काय बम भोला से करवा लो गाओ और ये सम्मानी हमारे भाई साहब हाँ पसंद आइए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है भैया की पसंद। ये भजन के बाद सुनेंगे आप बताओ मन में ना शर्माओ काय बम भोला से करवा लो गाओ तो पार्वती कहने लगी कि देखो भगवान भोलेनाथ से ब्याह करने में मुझे क्या क्या फायदा है। तो पार्वती कहने लगी सुनो पानी की सब सुविधा मोखो भाई बेन पानी की सब सुविधा पानी की सब सुविधा मोखो भाई बेन भोले के सर पे लगी पाइप लेन चाहे जितनो बगराओ चाहे जितनो बगराओ खूब सफरो सफराओ इसे बम भोला से करवा लो गाओ बताओ बिल्कुल ना शर्माओ काय बम भोला से करवा लो गाओ और कहने लगी पार्वती सुनो कौन कौन से लाभ हुए हैं भोलेनाथ से विवाह करने के बाद। बिजली की सब सुविधा मोखो भाई बेन बिजली की सब सुविधा मोखो भाई बेन भोले के सर पे लगी टावर लेन चाहे जितनी जलाओ काहे चंद्रमा है ना माथे पे दिन रात चलता है भोले के सर पे लगी चाय जितनी जला और भले टीवी चला कभो बिल तक ना आओ इसे बम भोला से करवा लो जाओ
ना शर्माओ काय बम भोला से तर मालो जा और बच्चों हमारे जितने भी भोलेनाथ के भक्त बैठे हैं सभी से अनुरोध है कि आप भी अपना नाम बुलवाना ना भूलें क्योंकि आपका नाम भी सुबह होते ही ये कार्यक्रम और आपका नाम हमारे आपके मोबाइल तक पहुंचाएंगे यूट्यूब चैनल के द्वारा रिकॉर्डिंग करता है हमारे जो कैमरामैन लगे हैं यहाँ पर। आज का ये कार्यक्रम सुबह होते ही हमारे पूरे भारत में दिखाया जाएगा। बताओ बिल्कुल ना शर्माओ काय बम भोला से कर मालो जाओ एक और साची बताओ बिल्कुल ना शर्माओ काय बम भोला से कर मालो जाओ ओ का